बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। दोस्तों आज है पार्ट थ्री, ऑलरेडी मैं पार्ट टू और पार्ट वन बना चुका हूं इस टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक अगर आपने थंबनेल वगैरह देख लिया तो आज आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि एक मैं सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ जिसके अंदर मैं फेसबुक की तमाम पॉलिसीज़ और तमाम फेसबुक सेटिंग, मतलब फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पेज की सेटिंग्स और फेसबुक पेज क्रिएट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीरीज़ में मैं कवर करने वाला हूँ। तो पार्ट वन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फेसबुक पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो या फिर अपनी आईडी को पेज में कैसे लेके जा सकते हो, और पार्ट टू के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप पेज की कैसे सेटिंग कर सकते हो। तो पार्ट टू के अंदर जो मैंने सेटिंग बताई थी, अब मजीद सेटिंग बाकी रहती है जो आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पर देखिए, आपको अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से एक ऑप्शन है यहाँ पर पेज एक्सेस का। तो जो ही गाइज आप क्लिक करते हैं पेज एक्सेस के ऊपर, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि एडमिन वगैरह आप लगा सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन अलग बात है, इस पर मैं अलग बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर फेसबुक बैजेस का, इसको आपने ओपन करना और ये वाले दोनों टॉगल आपको ऑन कर लेने हैं। ऑन करने के बाद आपको सिंपल और कुछ नहीं करना, आपको फिर बैक चले जाना। अगर आप पेज को चेक करना चाहते हैं कि कहाँ, मतलब कि पेज के अंदर कोई वायलेशन तो नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेज रिकमेंडेशन में जाएं और यहाँ पर देखिए अभी तक ये पेज हैज़ नो वायलेंस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप पेज क्वालिटी को मज़ीद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन ग्रीन है, तो इस तरीके से यहाँ से आप पेज की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बाकी ये मोनेटाइजेशन वगैरह के जो टूल है ना, ये बाद में हम स्टेप बाई स्टेप चलते रहेंगे। अच्छा गाइस, अब हम दोबारा बैक आ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ प्रोफेशनल मोड के बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का। अगर आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो गया आ जाएंगे, जिनमें यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे आपका नेम होता है, फेसबुक पेज का नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट के बटन पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पर यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम वही होता है जो आपको मिल गया तो और किसी को नहीं मिल सकता, फिर किसी और दूसरे बंदे का सेम नाम है तो उसको थोड़ा आगे एक दो लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पर प्रॉब्लम चलता है। यानी कि यूज़र नेम आपको एक ही मिल सकता है, अगर ऑलरेडी आपसे किसी ने ले रखा है तो आपको एक दो साल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप एडिट का बटन पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, और न्यू पेज एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप ये मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे सामने वो सारी ये चीज़ें ओपन होकर आ जाएंगी, आ गई जो ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ। अच्छा गाइस, आप दोबारा से हमने पेज को इस तरीके से खोल लिया और अब आपको करना क्या है, सेटिंग्स के नीचे अब आपको ऑप्शन मिल रहा है मेटा बिजनेस स्विट। मेटा बिजनेस स्विट के अंदर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एक अलग से ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर अब आप मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मेटा बिजनेस स्विट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये एक अलग जो है ना, हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाती है और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखिए कई सारी सेटिंग आप करने को मिल जाती हैं। यहाँ से अगर आप अपलोडिंग करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप से तो यहाँ से आपको अपलोडिंग करनी है, और किसी तरीके से आपने अपलोडिंग नहीं करनी होती। यहाँ से क्या है कि आप पूरी वीडियो की SEO कर सकते हैं, SEO पार्ट आपको मिल जाता है कि आपने कैसे कैसे करनी होती है। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेज का, यहाँ पर पेज है यानी ऊपर मेटा बिजनेस स्विट लिखा हुआ, नीचे पेज है। अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर स्विच कर सकते हैं, बट मैं आपको वैसे दिखाने वाला हूँ। और ये क्या चीज़ है यहाँ पर, इस पर मेरी अलग से वीडियो आएगी जो एडमिन को लेकर ये पूरा एक टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, यानी आप अपने पेज को मुकम्मल सिक्योर कैसे कर सकते हो। तो वैसे आप यहाँ से पेज दूसरे पेज में यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो, ये मेरा दूसरा पेज है और ये मेरा फर्स्ट पेज है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ऑल टूल्स, ऑल टूल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तमाम के तमाम जो है ना टूल्स खोल के आ जाते हैं। यहाँ पर और मोनेटाइजेशन की सेटिंग्स है, और अब आपको मोनेटाइजेशन वाला टूल दिखा देता हूँ, ये है मोनेटाइजेशन का टूल। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मोनेटाइजेशन का पेज ओपन होकर आ जाएगा कि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, कितना बाकी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। अच्छा गाइज, यहाँ पर देखिए ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर मेन है, मेन के अंदर जो है नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, यानी अभी तक मेरे पेज पर कोई मोनेटाइजेशन वायलेशन नहीं हुई। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 5000 फॉलोअर चाहिए, 60000 टोटल जो है मिनट्स व्यूज़ चाहिए वो भी पिछले 60 दिनों के अंदर, और 5 वीडियोज़ आपके अकाउंट पर एक्टिव होने चाहिए आपके फेसबुक पेज पर, तो आप मोनेटाइजेशन को एलिजिबल कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन अनेबल कर सकते हैं। और ये वाला स्टार वाला, तो ये स्टार वाला आपको सिर्फ और सिर्फ
500 फॉलोअर्स पर आपको मिल जाता है। ठीक है, मेन के अंदर ही हमें जो है ना यहाँ पर व्यू पेज एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्लिक करके हमें पता चलेगा कि हमारे फेसबुक पेज पर कितने जो है ना अभी तक टाइम रहता है। यहाँ पर देखिए इन स्ट्रीम ऐड जो मेन होते हैं वो होते हैं इन स्ट्रीम ऐड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ था ये वाला इन स्ट्रीम ऐड, जिसके लिए हमें मोनेटाइजेशन एलिजिबल करनी होती है, यानी कि अनेबल करनी होती है। मतलब कि आपकी वीडियो पर ऐड जो आते हैं वो होते हैं इन स्ट्रीम ऐड्स। चलिए हम देख लेते हैं कि कितना क्राइटेरिया हमारा बाकी है। यहाँ पर देखने के लिए इस वाले ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना, व्यू क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा 7% जो है ना कंप्लीट हुआ फॉलोअर्स। यहाँ पर फॉलोअर्स कितने चाहिए, 5000। मेरे फॉलोअर्स अभी बहुत कम है, तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक पेज पर, आपसे रिक्वेस्ट है दिल से। उसके अलावा यहाँ पर मिनट्स वाच वो 1% हुआ, यानी कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ, वीडियोज़ मेरी हो चुकी हैं, बाकी ये वाला छोड़ दीजिए, इनकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जितना आपको सिखाया है, जितना समझाया है, जितनी सेटिंग आपको बताई है, सिर्फ वही आपको सेटिंग करनी है, और बाकी जो सेटिंग होगी वो आने वाली वीडियो के अंदर होगी कि आने वाले किसी पार्ट के अंदर होगी। तो आप दोस्त यहाँ पर कनेक्टेड रहिएगा, आप दोस्त देखते रहिएगा, आपको आने वाले वक्त में आने वाली जो है फेसबुक सीरीज पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसमें एडमिन की जो वीडियो है वो भी आएगी, और साथ साथ मोनेटाइजेशन को लेकर भी आएगी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका कंटेंट जो है ना वो दूसरे लोग कॉपी करते हैं, तो आप उससे बचने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो उस पर भी एक वीडियो आएगी, यानी कि कम से कम आपको 2 पार्ट और मिलने वाली है। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली मेरी जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।